अगर आप रक्षा बंधन मनाने जा रहे हैं रक्षा की तरफ आप देख रहे हैं तो आपको जो है किसी भी सूरत में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भूम आम्बेडकर को नहीं भूलना चाहिए उनको ज़रूर याद करना चाहिए और अगर हो सके तो ये आज के दिन जो है आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने में जितना टाइम वेस्ट करेंगी उसमें बेकार करेंगी आप जो है हिंदू कोड बिल किताब कहीं से लेके आया ना और उसको पढ़ लेना जरा जो मेरे साथ चल रहा है उसके अंदर मैं अपना भाई देखूंगी जहाँ मैं जा रही हूँ जिस समान जा रही हूँ जिस वर्किंग प्लेस पर मैं काम कर रही हूँ वहां पर मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगी जय भीम नमो साथियों आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नीलम बोध के साथ मेरे कड़ी में है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी एक तरफ तो हम बहन की रक्षा की बात करते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उन बहनों की इज्जत तो और आबरू को उतारने का काम करते हैं जो हमारे घर की नौकर बल्कि दूसरों के घर की बहन बेटी होती है तो इस त्योहार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को देखिए मैं इस त्यौहार के संदर्भ में आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के जो टर्म्स हैं शब्दावली है, है इससे बचें कि बहन की रक्षा भाई करेगा या देव जो हैं रक्षा सुरक्षा करेंगे इस तरह की जो टर्म टर्म्स हैं शब्दावली है ये बड़ी घातक है ये आपके माइंड को करप्ट कर रही है रक्षा का संबंध है सुरक्षा से है तो आपको रक्षा और सुरक्षा कौन दे सकता है जो व्यक्ति दे सकता है उस पर आश्रित होना पड़ेगा हमें हमारे देश में हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हैं हमारे फौजी भाई हमारे देश के भीतर हमारी रक्षा करते हैं पुलिस मैन पुलिस वाले पुलिस डिपार्टमेंट इसके अलावा घर परिवार में हमारी रक्षा करने वाले जो पुरुष हैं पिता है भाई है बेटा है ये महिलाओं की रक्षा करते हैं और महिलाएं भी अपने बच्चों की रक्षा करती हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल ही बेकार है कि बहन की रक्षा भाई करेगा इसलिए बहन उसको राखी बांधेगी अब राखी का संबंध अगर रक्षा करने से ही है कि भाई के ऊपर एक भार है कि वो बहन की रक्षा करे तो मैं ये समझता हूँ कि शादी करने के बाद बहन जो है जिसका जिसकी रक्षा का भार भाई के ऊपर है तो भाई तो उसके साथ में रहता नहीं है क्योंकि हम मान लेते शादी से पहले तो चलो उसके साथ रहता है लेकिन शादी के बाद तो जिस तरह से भाई रहता था पहले अब उसका पति उसके साथ रहता है हर पल रहता है बल्कि उस भाई से भी ज़्यादा नज़दीकी संबंध से रहता है और हर पल का साथ रहता है तो इस तरह से अगर हम देखें अगर इस देश में जो ये ब्राह्मणवाद है जो दोहरी मानसिकता को लिए हुए है अगर इसकी लीक से हटकर थोड़ा सोचने का प्रयास करें तो जो बहनें जो लड़कियां शादी से पहले अपने भाई को राखी बांधती हैं कि वो उनकी रक्षा करें तो शादी करने के बाद अपने पतियों को राखी बांधना शुरू कर दें ताकि वो उसकी रक्षा करें अगर रक्षाबंधन के त्यौहार से ही रक्षा होनी है तो लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा है प्रैक्टिकली हमने देखा है कि रक्षाबंधन के दिन पे बार्गेनिंग होती है सौदेबाजी होती है कि मैं इतने का सामान लेकर आई हूं इससे ज़्यादा मुझे चाहिए इस तरह की बातें हमने देखी हैं और प्यार को ही धागे का मुताज है कि एक धागा जो आपने बांध दिया उसी से प्यार निकलेगा उसी से रक्षा होगी ये तो बेहदी बेहूदगी की हद है जहाँ प्यार होता है वहाँ इस तरह के जो धागे हैं इस तरह के जो बंधन है इससे जो है रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं अगर इसी की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं जितनी बौद्ध देश हैं किसी में जो ये त्यौहार नहीं मनाया जाता सिर्फ भारत में वो भी भारत में भी एक पार्टिकुलर हिस्से में उत्तर भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की बहनों की रक्षा होती नहीं है और जबकि भारत में यह त्यौहार मनाया जाता है और उत्तर भारत मनाया जाता है और हम अच्छी तरह जानते हैं आंकड़े उठाएं तो भारत के उत्तर भारत में महिलाओं की इज्जत से सबसे ज्यादा खिलवाड़ होता है तो ये तो मैं महिलाओं को जो है सीधा सीधा संदेश इस बात का देना चाहता हूं कि मेरी माताओं और बहनों और बेटियों थोड़ा सा अकल पे जोर डालो थोड़ा सोचो समझो और इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर लो और अपने भाई से बोलो कि इस तरह की रक्षा नहीं चाहिए रक्षा जो है मन से चाहिए और जिस जो मेरे साथ चल रहा है उसके अंदर मैं अपना भाई देखूंगी जहां मैं जा रही हूं जिस सामान जा रही हूं जिस वर्किंग प्लेस पे मैं काम कर रही हूँ वहां पर मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगी जो पुरुष मेरे को इज्जत से देखेगा वही मेरे भाई है सर इसमें एक चीज और हम देखते हैं जो अभी हम भाई बहन की बात कर रहे हैं रिश्ते की बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं धागों की बात कर रहे हैं अगर रक्षा की बात आती है तो भाई को हर तरह से अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए चाहे वो आर्थिक रूप से हो सामाजिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो लेकिन हम देखते हैं कि आज जो संपत्ति में अधिकार है खासकर बहन बेटियों को बराबर का जितनी पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार है उतना ही बेटी का अगर वो बेटी अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार मांगती है तो तब वो भाई का प्यार या परिवार का प्यार कहाँ चला जाता है जब वो बड़े उसको दुश्मन की तरह से देखते हैं क्योंकि आज आजकल प्रचलन में काफी चल रहा है है तो इस पर क्या विचार है सर आपके बहुत बढ़िया सवाल किया है नीलम जी आपने वास्तव में इस समय से अच्छा कोई समय नहीं है इस सवाल उठाने का छप्पन में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव के अथक प्रयासों के कारण महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार मिला कि जो पिता की कमाई हुई संपत्ति है उसके मरने के बाद जब उसके हिस्से हों तो उस लड़की को भी उतना हिस्सा बराबर का मिलेगा जितना उसके भाइयों को मिल रहा है जबकि उन्नीस से जब उत्तराधिकार का नियम लागू हुआ उससे पहले जो है लड़कियों को यह अधिकार नहीं था तो जो ये जो कानून थे हिंदू कानून जो है उनके तहत जो है हिंदू समाज जो है नियमित होता था यानी कि कोई भी संपत्ति विवाद होता है तो इन कानूनों के तहत जो है उसमें निपटारा होता था तो इसमें लड़कियों को सिर्फ भरण पोषण का अधिकार था उनको पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था ये कान खोल के लड़कियां सुन लें जो आज जो है बड़ी खुशी खुशी से कल जाएंगी अपने भाई के घर पे जो है रक्षाबंधन मनाने के लिए 1956 में ये अधिकार आया और उन 2005 में तो जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट अधिकार मिल गया कि जो पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार नहीं था पहले महिलाओं को सिर्फ पता की संपत्ति का अधिकार था लेकिन 2005 में तो जितनी भी पुस्तैनी संपत्ति है पहले की पिता से पहले के पूर्वज जो उनके पास भी जो संपत्ति थी जब उसमें बंटवारा होगा तो उसमें उतना ही हिस्सा जितना उसके भाइयों को मिलने वाला है उसके बराबर जो है उसको हिस्सा उस संपत्ति में मिलेगा ऐसा प्रावधान डॉक्टर अम्बेडकर के अथक परिवार के कारण हुआ लेकिन आज वो महिलाएं जो रक्षाबंधन मनाने के लिए उतावली हैं आज वो जरा ध्यान से सुने इस बात को कि जब वो अपने भाई से जरा सा भी इशारा भी करेंगी कि मुझे कुछ तो हिस्सा दे दे इसमें से पूरा मत दे वो कुछ भी मांगेंगी तो उनका भाई जो है उनको ऐसे थम्प दिखाएगा जिसे कहते हैं सिंगट दिखाना कहते हैं हिंदी में अंगूठा दिखाना कहते हैं अंगूठा दिखाएंगे उनके भाई जो है और अगर ऐसी मांग कर ली तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है और ना केवल उस लड़की की इज्जत जो है उस परिवार में वो खराब हो जाएगी यानी कि उसका जो मान मर्यादा सब तहस नहस हो जाएगी बल्कि उस पूरे समाज में जिस लोकेलिटी में वो लड़की रहती है उसके भाई रहते हैं वहां के आसपास के लोग रिश्तेदार वगैरह सब ये कहेंगे कि ये लड़की जो है क्या कहते हैं कि ये लड़की जो अपने भाइयों से हिस्सा मांग रही है उसको बहुत बुरी नजर से देखने लग जाएंगे एक हीन भावना उत्पन्न होती है एक हीन भावना जो है उसके अंदर भर देंगे इसलिए आज हम देखते हैं कि लड़कियां अपना अधिकार नहीं मांग रही हैं आज भी और वो ये चाहती हैं कि मेरे भाइयों से मेरे संबंध बने रहें अगर मैंने संपत्ति में अधिकार मांग लिया तो वो जो है भावना और जो रिश्ता जो है वो टूट जाएगा अब ये सोचिए कि अगर इन बातों से रिश्ता टूट जाता है तो ये धागा जो है वो रिश्ता कैसे बना देगा आ, सर मैं ये भी जानना चाहूंगी साथ साथ जिस तरह से आपने अभी संपत्ति को लेकर चर्चा की इसी के साथ साथ में अगर हमें अपनी बहनों की रक्षा करनी है तो क्यों ना हमें उन्हें कानून की सही जानकारी देनी चाहिए और उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करानी चाहिए ताकि वो अपनी सेल्फ रक्षा खुद कर सके ना अपने भाइयों पर ना किसी पुरुष के अधीन रहे देखिए ये तो भगवान बुद्ध का कथन है अत्यदीपो भव किसी पर भी निर्भर मत रहो अपनी रक्षा स्वयं करो अपना दीपक स्वयं बनो आपके लिए किस बात की जरूरत है जब हर लड़की ये जानती है कि मेरी इज्जत को बाहर खतरा है तो वो ये भी जानती है कि मार्शल आर्ट वगैरह भी इस देश में सिखाया जाता है जी। तो कितनी लड़कियां हैं जो मार्शल आर्ट की जो एकेडमी ज्वाइन करती हैं जाकर वहाँ शिक्षा लेती हैं तो ये तो जो है बड़ी मोटी सी बात है कि जब उन्हें पता है कि ये अपराध मेरे साथ में घटित हो सकता है और मैं इससे रक्षा करने में अपनी सक्षम नहीं हूँ लेकिन अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूँ तो मैं आराम से अपनी रक्षा कर लूंगी और मेरे ऊपर कोई भी ऐसा अपराध घटित नहीं हो सकेगा लेकिन उसके बाद भी जो है ना तो हमारी सरकार इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में मार्शल आर्ट की व्यवस्था कराई जाए जी। और अगर कराती भी है तो खाना पूर्ति होती है खाली वहाँ पे जो है वैसी प्रैक्टिस नहीं होती है जैसे कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस होती है अगर कंपटीशन वाली प्रैक्टिस अगर वहाँ पे महिलाओं को कराई जाए तो वो महिलाएं जो हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कंपटीशन भी निकाल के लेकर आएंगी और अपनी रक्षा भी कर लेंगी इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ नीलम जी आपके चैनल के माध्यम से कि बहनों और माताओं और बेटियों आपकी इस देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रक्षा की है तो वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं आपको इस दिन अगर आप रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं रक्षा की तरफ आप देख रहे हैं तो आपको जो है किसी भी सूरत में परम पूज्य जो है बाबा साहेब टो अम्बेडकर को नहीं भूलना चाहिए उनको ज़रूर याद करना चाहिए और अगर हो सके तो ये आज के दिन जो है आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने में जितना टाइम वेस्ट करेंगी उसमें बेकार करेंगी आप जो है हिंदू कोड बिल किताब कहीं से लेके आया ना और उसको पढ़ लेना ज़रा अगर उसको पढ़ लेंगी तो आपके जो सम्मान है स्थापित हो जाएगा और आपको एक ऐसा स्वाभिमान मिलेगा और आपको एक ऐसी स्वाभिमान की जिंदगी मिलेगी कि आप जो है धन्य हो जाएँगी आप मेरे कहने से इतना काम जरूर कर लेना बहुत बहुत धन्यवाद सर तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी अपना चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल एन बी न्यूज ट्वेंटी फोर इंटू सेवन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से